मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके नवचेतना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। और आपने पूरे 12 भाग टेंस के सीख लिए हैं। अब मैं ऐसे वाक्य को आपको बताऊंगा जो थोड़े से टेंस से भिन्न है, ऐसे वाक्य जिनमें क्रियाएं नहीं होती हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता नहीं होता है। तो इस प्रकार के कई ऐसे वाक्य हैं जो हमें डेली यूज में हम उपयोग में लेते हैं, जैसे मोहन मेरा भाई है, जैसे मैं एक गाय रखता हूँ। इस प्रकार के वाक्य हैं, उनको आप थोड़ा समझें। यानी पहले शुरुआत करता हूँ विदाउट वर्ब्स, यानी बिना क्रिया के सेंटेंस, विदाउट वर्ब्स यानी बिना क्रिया के सेंटेंस। तो हम ऐसे वाक्यों को जानने के लिए क्या करना होगा कि हमें पहले उसको समझना होगा, इसकी पहचान जाननी होगी। तो मैं लिखता हूं पहचान इसकी क्या है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में हैं, हूं, आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य जिसके अंत में हैं, हूं शब्द आते हैं, और ऐसे वाक्यों में क्या नहीं होती, वर्ब्स नहीं होती। तो देखते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल है, मोहन मेरा भाई है। मोहन मेरा भाई है, तो इसमें वर्ब नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना होगा कि पहचान तो अपना आ गई कि मोहन मेरा भाई है, पहचान ही होगी है। अब कैसे बनाएंगे, तो हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो तो क्या करेंगे। इस वाक्य को बनाने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन वर्ब नहीं होती है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी। देखिए सब्जेक्ट मौन है, मौन एक वचन है, मौन एक वचन होता क्या आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी इज, एम और आर, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार। तो मोहन एक वचन है, एक वचन हो तो क्या आएगा इज, तो मोहन इज मेरा भाई है, माई ब्रदर, मोहन मेरा भाई है। तो हो गया सब्जेक्ट इज, एक वचन है इज आ गया। जैसे वे मेरे भाई हैं, वे मेरे भाई हैं, इसमें हैं आ गया क्योंकि बहुवचन करता है, तो लिखेंगे दे आर माई ब्रदर, वे मेरे भाई हैं, तो दे आर माई ब्रदर। तो इसी प्रकार से मैं एक टीचर हूं, तो देखिए मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक हूं। तो अंत में क्या आ गया, हूं आ गया, और वर्ब नहीं है इसमें। तो लिखेंगे मैं, देखेंगे मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक हूं, तो लिखेंगे आई सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या आएगा, आवश्यकता अनुसार एम आएगा, आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी मैं आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूं ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का मैं एक अध्यापक हूं। तो
ऐसे वाक्य में क्या है, वर्ब नहीं होती है और इसकी पहचान क्या है, हैं, हूं। तो ये इसी प्रकार से ये साधारण वाक्य की बात हो गई। अब देखते हैं आगे, देखिए थोड़े इसी तरह वाक्य और होते हैं, जैसे मैं एक गाय रखता हूं, जैसे मैं एक गाय रखता हूं। तो इसमें रखना, रखता हूं, यहां पर रखना मेरे पास एक गाय है या मैं एक गाय रखता हूं। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता हो और अंत में हूं है ये शब्द हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हैज हैव का प्रयोग करना होगा, हैज हैव। तो हैज का प्रयोग और है, इसका मीनिंग यहां अर्थ होगा रखना। अर्थ क्या होगा इसका, हैज और हैव दोनों का अर्थ होगा रखना। तो एक वचन ना हो, अगर एक वचन करता हो तो हैज लगाएंगे और बहुवचन करता हो तो हैव लगाएंगे। जैसे मैं एक गाय रखता हूं, तो यहां पर आई, तो अब यहां आएगा हैव, आई हैव ए काऊ, आई हैव ए काऊ, मैं एक गाय रखता हूं। जिस प्रकार से वह एक कुत्ता रखता है तो ही हैज ए डॉग, वह एक कुत्ता रखता है। तो ऐसे वाक्य में क्या है, वर्ब नहीं है और यहां रखना यह है क्रिया होगी लेकिन मुख्य वर्ब नहीं है, इसलिए हमें आई हैव ए काऊ, मैं एक गाय रखता हूं और मैं एक कुत्ता रखता हूं। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है और हूं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुवचन हो तो हैव और एकवचन हो तो हैज। इसी प्रकार से हम अगर पास्ट में जाते हैं, जिस प्रकार से पास्ट में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैज हैव की जगह हेड करना पड़ेगा, हैज हैव की जगह क्या करना पड़ेगा, जैसे वह एक कुत्ता रखता था, ये हो गया। देखो वह एक कुत्ता रखता था, अब हैज हैव वर्तमान में तो क्या आ गया, हैज और हैव आ गया, और इसकी जगह पर हमें क्या करना होगा, कि भूतकाल की बात होगी तो इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा ही हैड ए डॉग, वह एक कुत्ता रखता था। जैसे वे तो दे हैड मैनी एनिमल्स, वे बहुत सारे जानवर रखते थे। तो भूतकाल में गए तो हेड हो गया और वर्तमान में रखना है तो हैज हो गया। तो इसी प्रकार से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता लुप्त हैं, कर्ता नहीं होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम देखेंगे, क्यों ये कि हम रोजाना ऐसे वाक्यों को यूज में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे आओ फुटबॉल खेलें, आओ फुटबॉल खेलें, तो ऐसे वाक्य में क्या है, कर्ता नहीं है, आओ फुटबॉल खेलें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट अस, लेट अस, लेट अस प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल, आओ गांव चले। तो लिखेंगे लेट, लेट अस गो टू विलेज, यानी इस प्रकार के वाक्य में क्या नहीं है, कर्ता नहीं है। तो कर्ता नहीं है तो ऐसे वाक्य में बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो लेट अस से आरंभ होते हैं। और जैसे कई ऐसे वाक्य हैं, जैसे कक्षा में आवाज मत करो, कक्षा में आवाज मत करो, तो यहां पर क्या नहीं है, कर्ता नहीं है। तो लिखेंगे डू नॉट मेक नॉइज इन द
क्लास। सड़क पर मत खेलो, लिखेंगे डू डू नॉट प्ले ऑन द रोड। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें क्या नहीं होते हैं, करता नहीं है, और इसमें इंपरेटिव सेंटेंस या फिर मना करने की जो बातें दी गई है, तो हमें क्या करना होगा, डू नॉट से वाक्य को आरंभ करेंगे और इस प्रकार से ये वाक्य बिना कर्ता वाले वाक्य वो पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं, जैसे देखिए चुप रहो, चुप रहो, करेंगे कीप साइलेंट, क्या बोलेंगे, कीप साइलेंट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, बाहर निकलो, गो आउट। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनको हमें समझना होगा कि चुप रहो, कीप साइलेंट, चुप रहो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऐसे वाक्यों में क्या है, कर्ता नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं राइट ए लेटर टू योर फादर, तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखो, तो देखिए ऐसा होगा, तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखो। देखिए तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखो, इसमें क्या नहीं है, इसमें कर्ता नहीं है, तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखो। तो ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे, वर्ब से वाक्य आरंभ होंगे, जैसे तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखो, तो लिखेंगे राइट ए लेटर टू योर फादर, राइट ए लेटर टू योर फादर, इसमें क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार के वाक्य को कैसे बनाएंगे, राइट ए लेटर टू योर फादर, यानी कहने का मतलब क्रिया से आरंभ होने वाले वाक्य हैं, तो हमें इसमें और कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब साधारण सी बात है, ऐसे वाक्यों को जानने के लिए हमें बहुत सारी जगह पर एक काम आते हैं, जैसे हम लेख लिखते हैं वर्तमान में, जो हम लेख लिखते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ये गाय का लेख ही लीजिए, तो गाय का लेख लिखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे वाक्य आएंगे जिन्हें हमें यूज करना होगा। जैसे मैं यहाँ शीर्षक लिखता हूँ काऊ, तो काऊ का लेख लिखेंगे, गाय का लेख लिखेंगे, तो सीधी सी बात आती है कि गाय एक साधारण जानवर है, तो गाय एक साधारण जानवर है, तो इसमें वर्ब नहीं है, तो लिखेंगे द काउ इज ए सिंपल एनिमल, गाय एक साधारण जानवर है, इसमें है पहचान क्या है, तो है एक वचन हो तो इज आएगा, जैसे गाय को क्या कहते हैं, गऊ माता कहते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे गाय एक साधारण जानवर है, गाय घास खाती है, तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे आप लिखेंगे गाय कई वर्णों की होती है, द काउ हैज मेनी कलर्स, द काउ हैज मेनी कलर्स, तो यहां पर क्या गया, काउ एक वचन है, तो होती है गाय कई वर्णों की होती है, गाय एक वचन है तो है जाएगा, गाय कई वर्णों की होती है, जैसे हम हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, तो या फिर हमें गाय को गौ माता कहते हैं, तो वी कॉल इट काऊ मदर, हम इसे गाय माता कहते हैं, जैसे गाय के चार पैर होते हैं, तो द काऊ हैज फोर लेग्स, यानी हैज एक वचन है, कर गाय इसके लिए क्या गया हैज। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनके ऊपर क्या है, वर्ब भी नहीं होती है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें कर्ता नहीं होते हैं, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, तो इस प्रकार से क्या है, हमें जो विदाउट
वर्ब से और विदाउट ए सब्जेक्ट ए, बहुत सारे वाक्य हैं इनको समझने के लिए। अब देखिए जैसे हमें एक टीचर का लेख लिखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे वाक्य आएंगे जो हमें परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो देखिए टीचर का नाम लेते ही हमें क्या है, पहले स्कूल से जो बात लिखनी होगी, देख जैसे मैं कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ तो लिख देंगे पहले वाक्य, आई रीड इन नाउ चेतना सेकेंडरी स्कूल जिगसाना ताल, यानी ये तो हो गया आई रीड इन नव चेतना सेकेंडरी स्कूल जिगसाना ताल, ये तो हो गया प्रेजेंट सिमिलटेंस का वाक्य। अब देखो यहां पर बहुत सारे टीचर हैं तो लिखेंगे देयर आर मेनी टीचर्स इन इट, तो यहां देयर स्थान के लिए आ गया। अब देयर आर मेनी टीचर्स, यहां बहुत ने मेनी टीचर्स, तो क्या आ गया देयर आर मेनी टीचर्स, यहां बहुत सारे अध्यापक हैं तो यहां वर्ब नहीं है। अब देखिए जैसे मेरा मोहन मेरा क्लास टीचर है या कक्षा का अध्यापक है, लिखेंगे सर मोहन जी सर आवर मोहन जी सर इज आवर क्लास टीचर, तो हो गया मोहन जी सर इज है और क्लास टीचर, इसमें क्या नहीं है मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे वह एक कार रखता है, जैसे टीचर कार रखता है या फिर मोटरसाइकिल रखता है, तो लिख देंगे ही हैज ए कार, तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसमें क्या नहीं होती है वर्ब नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया है और मैं विश्वास करता हूं कि आप निश्चित रूप से ऐसे वाक्यों को छोटे छोटे वाक्यों को सीखेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।